नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए, विवाह होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के बीच आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा पुष्य नक्षत्र में किया जाने वाला जल्दी शादी होने का, जल्दी विवाह होने का ऐसा महाचमत्कारी उपाय जो कभी भी खाली नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी कराने वाले, विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बड़े से बड़े दोष को पुष्य नक्षत्र के दिन तत्काल शांत करके शीघ्र विवाह होने का योग बनाया जा सकता है। पुष्य नक्षत्र में किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र की शास्त्रों में विशेष रूप से महिमा कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि न योगी योगम न च लग्नी लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़ा कोई काल से बना हुआ दोष भी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चल रहा है, जिसके कारण विवाह में निरंतर बाधाएं बनी हुई है, यकीन मानिए पुष्य नक्षत्र का ये एक ही दिन बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना देता है। जैसे आपको अभी इसी महीने करना है तो आगे 12 तारीख को पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा। आगे आप किसी भी महीने में इस विधि को कर सकते हैं, क्योंकि 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। अखबार वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि कब पुष्य नक्षत्र आ रहा है, या आसपास में आपका, आपके घर के आसपास में कहीं भी कोई मंदिर है तो वहां के पुजारी जी को भी आप पूछ सकते हैं कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ेगा। किसी भी महीने में आप इसे कर सकते हैं। 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र का यह शुभ संयोग बनता है। यदि आप अभी आगे कर रहे हैं तो 12 तारीख को ये पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बनेगा। तो जिन लड़के लड़कियों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, वो स्वयं भी इस विधि को कर सकते हैं, या बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं, मां इस उपाय को संपन्न कर सकती है। ये एक ही दिन में पृथ्वी पर पुष्य नक्षत्र जिस दिन होता है, उस दिन पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र का कुछ विशेष प्रभाव होता है। उस कंडीशन में जब आप अपनी मनोकामना को लेकर के कोई भी आप उपाय करते हैं, कोई भी टोटका करते हैं, तो वो शीघ्र फलीभूत अवश्य होता है। तो प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र का ये महाचमत्कारी उपाय बताने से पहले आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी, जिसमें आपकी शादी कब होगी, शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप अपना सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं, पुष्य नक्षत्र में किया जाने वाला शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। ध्यान रखें, यदि आगे आप अभी करने वाले हैं तो 12 तारीख की डेट आप याद रखिए, 12 तारीख को पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा। वैसे प्रति माह 27 दिन में एक बार यह संयोग बनता है, तो आप जब भी पुष्य नक्षत्र आए आप इस विधि को जरूर संपन्न करिएगा। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वो स्वयं करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो माता पिता भी अपने बच्चों के लिए इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। जिस दिन पुष्य नक्षत्र है उस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो माता पिता को जो विधि मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, और बच्चा बच्ची जिसका विवाह नहीं हो रहा यदि वो स्वयं कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इन नियमों का आपको पालन करना है। सूर्य उदय से पूर्व उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें, और उसके पश्चात घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके
शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए, जो भी आपके घर के मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करें। विशेष करके आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे आप प्रार्थना करें। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि हे पितरेश्वरों, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में कैसा भी कोई बाधक दोष, बंधन दोष बन रहा हो, उसको नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद प्रदान करना। जितनी ज्यादा प्रगाढ़ आपकी सच्ची सिद्धत से भावना होगी, परिणाम उतना ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद विशेष काम आपको क्या करना होगा, 1.25 मीटर आपको पीला कपड़ा ले, ध्यान रखें जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा उनके लिए पीला कपड़ा लेना होगा, और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उनके लिए सफेद रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा लेना होगा। ध्यान रखें, लड़कों के लिए कर रहे हैं तो सफेद रंग का कपड़ा होगा, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा होगा 1.25 मीटर का। आपको 1.25 मीटर का कपड़ा लेकर के, सबसे पहले मैं लड़कियों के लिए बता देता हूं, उसके बाद फिर लड़कों के लिए बताता हूं। सफेद रंग का जिन लड़कियों के लिए इस उपाय को किया जा रहा है, 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा लेकर के उसमें 1.25 किलो चने की दाल आपको उस कपड़े के अंदर रख देनी है, और एक जटा वाला जो सूखा नारियल होता है वो भी आप उस कपड़े के अंदर रख देनी है, साथ हल्दी की गांठ आपको उस कपड़े के अंदर रख देना है। उसके बाद गंगा जल का आपको छींटा मार देना इन तीनों सामग्रियों के ऊपर। ये कार्य आपको घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करने के बाद आप इस प्रक्रिया को करेंगे, ठीक है। इन तीनों चीजों को रख करके उसमें यथाशक्ति कुछ भी आप दक्षिणा रख सकते हैं। उसके बाद उस कपड़े से इन तीनों चीजों को बांध करके पोटली बना लीजिए, और आप जो भी आपकी मनोकामना उसके लिए ध्यान करें। शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए श्री सीताराम जी के चरणों में आप प्रार्थना करें, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। और ध्यान रखें, इस क्रिया को पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा है, मध्याह्न के 12 यानी दोपहर के 12 बजे से पहले आप इस क्रिया को संपन्न करेंगे। ये पोटली तैयार करके यदि लड़का लड़की उपस्थित है जिसका विवाह नहीं हो रहा, तो उसको बुला लें, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वो खड़ा हो जाएं। घर का कोई भी सदस्य क्लॉक वाइज उसके ऊपर 7 बार वार लें। ध्यान रहे, लड़का लड़की उपस्थित ना रहे तो इस पोटली को तैयार करके घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं माता पिता, और उसके बाद अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात आप इस पोटली को लेकर के आसपास में कहीं भी श्री रामचंद्र भगवान का, सीताराम जी का मंदिर है, या श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, तो वहां भगवान के चरणों में इस पोटली को समर्पित करके शीघ्र विवाह होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इससे बहुत तेजी से बृहस्पति का बल बढ़ेगा। ध्यान रखें, ये जो क्रिया है लड़कियों के लिए ही करनी है, अभी मैंने बीच में लड़कों के लिए बोल दिया था, लड़कों के लिए मैं अलग से बता रहा हूं। तो ये आपको भगवान के चरणों में ये पोटली समर्पित करके अपनी बच्ची के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। इससे बहुत तेजी से बृहस्पति का बल बढ़ता है जीवन में, और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग जरूर बन जाता है। लड़कों के लिए कर रहे हैं तो 1.25 मीटर जो सफेद कपड़ा है, जैसे लड़कियों के लिए मैंने बताया, इसी तरीके से 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 1.25 किलो आपको चावल लेने हैं, कटे फटे चावल नहीं होने चाहिए, एक जटा वाला नारियल उसमें रख देना है, और एक सफेद चंदन का टुकड़ा उसमें रख करके गंगा जल का छींटा आपको मार देना है, और उस पोटली के अंदर यथाशक्ति जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप उसके अंदर दक्षिणा रख सकते हैं, और उस पोटली को बांध करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। घर के पूजा स्थान में अपने पितरादि देव हैं, जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करना है। बच्चा बच्ची उपस्थित है तो उसको बुला करके क्लॉक वाइज 7 बार उसके ऊपर वार लीजिए उस पोटली को। बच्चा बच्ची उपस्थित नहीं है तो घर के पूजा स्थान में रख करके प्रार्थना कर लें। उसके बाद आप उस पोटली को लेकर के आसपास में कहीं भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, मंदिर है, तो भगवान शिव की जलहरी में रख दीजिए एक बार उसको। भगवान शिव की जो जलहरी होती है, जहां से जल निकलता है, उस जलहरी का स्पर्श करवा करके, या तो उस मंदिर के कोई पुजारी जी हैं तो उनको दान दे दीजिए, या आप वहां पर मंदिर में ही रख दीजिए, मंदिर में छोड़ दीजिए, और भगवान शिव के समीप बैठ करके आसन पर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करिए। इससे शुक्र का बल लड़कों की कुंडली में बहुत तेजी से बढ़ता है, और विवाह होने का बहुत जल्द योग बना देता है ये उपाय। जल्दी शादी होने के बहुत चमत्कारी टोटके हैं, ये किसी खास दिन विशेष समय पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र का दिन हो और दोपहर के 12 बजे से पहले जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनके लिए यदि माता पिता इस विधि को संपन्न कर देते हैं तो शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बहुत जल्द जरूर बनता है। इस विधि को वैसे ये एक बार करने पर ही अपना कार्य कर देती है, लेकिन आप आने वाले 3 पुष्य नक्षत्र में
जिन लड़के और लड़कियों के लिए मैंने विधि बताई है, आने वाले 3 पुष्य नक्षत्र में इस प्रयोग को करके देख लेना। इसका परिणाम 100% देखा गया है। शीघ्र विवाह होने का बहुत ही कारगर उपाय है जो कभी भी खाली नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर मैरिज से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है, आपके विवाह होने का सही समय जानना है, कैसा लड़का या लड़की आपको मिलेगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक बार ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।